कर्नाटक का हिजाब विवाद का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में है। इस मामले में कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक नहीं पहनने को कहा था। इस विवाद के बीच हाल में भारतीय सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। رحماء بينهم أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال। ट्विटर परिचय में खुद को लेखक, गायक और स्पीकर बताने वाले डॉक्टर ओमेंद्र रत्नो ने ये वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इसे 2015 से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। वीडियो में दिख रहे टेक्स्ट को सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को 2016 का एक फेसबुक पोस्ट मिला। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने यूट्यूब वीडियो का लिंक पोस्ट किया था। ये वीडियो 27 अप्रैल 2015 को स्टोरीफुल न्यूज एंड वेदर ने अपलोड किया था। चैनल के मुताबिक काबुल में कार्यकर्ताओं द्वारा फरखुंदा की हत्या की कहानी बताने के लिए एक नाटक किया गया था और ये उसी का वीडियो है। कैप्शन में इस वीडियो का क्रेडिट रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी को दिया गया है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने भी ये वीडियो पब्लिश किया था। कैप्शन के मुताबिक भीड़ ने 27 वर्षीय इस्लामिक लॉ स्टूडेंट फरखुंदा की हत्या कर दी थी। हमलावरों का आरोप था कि फरखुंदा ने कुरान की कॉपी जलाई थी। बाद में ये आरोप झूठा साबित हुआ। इस घटना में 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। घटना मार्च 2015 में हुई थी और इसका विरोध करते हुए कुछ एक्टिविस्ट ने अप्रैल में घटना का नाटकीय रूपांतरण पेश किया था। एक्टिविस्ट की मांग थी कि हमलावरों के खिलाफ तेजी से मुकदमा चलाया जाए। यानी ये वीडियो अफगानिस्तान में 6 साल पहले हुई घटना से जुड़ा है।